नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेब वर्क वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं परेश शर्मा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों बड़े दिन हो गए आपसे बात किए हुए और आपको भी इंतजार होगा कि वेब वर्क वर्ल्ड से कोई भी अपडेट नहीं आया है लगभग 5 दिन से, और मुझे भी लग रहा था यार कि कोई ना कोई अपडेट मिलनी चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ, अगर घर पर ही अपडेट बनानी हो जो मेरे द्वारा नहीं हो तो मैं रोजी रोजी बात हूँ, लेकिन जब तक आगे कोई एक्टिविटी हो तब मैं भी बंदा रहता हूँ कि आगे कुछ ना कुछ हलचल हो तो उसके ऊपर मैं कुछ अपडेट बना के आपको पेश करूँ। मुझे भी रोज की रोज ही अपडेट हूँ, लेकिन मजबूरी है दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आज एक छोटी सी अपडेट मिली है, छोटी सी है और बड़ी सी है, क्योंकि इस टाइम पे तो हर अपडेट बड़ी ही लग रही है। तो चलो जो भी है आपकी नज़रिए में रहेगी, जो भी अपडेट होगी वो छोटी है या बड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले अपडेट जारी करें तो आपको पता ही है, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही है, तो वो 2 मिनट के लिए सुनना पड़ेगा। लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ नए लोगों के लिए, नए जो मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल वेब वर्क वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वेब वर्क वर्ल्ड के इस चैनल के फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहे वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों आपके जो स्क्रीन है, स्क्रीन के राइट साइड में एक सब्सक्राइब का होगा, राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा इस तरीके से, आप इसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है। साथ में एक घंटी सी बनी होगी, इस घंटी को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों इससे आप ही का ही फायदा होगा। एक्चुअली फायदा क्या होगा कि जो भी वेब वर्क वर्ल्ड आपकी पता है, आपको तो नहीं पता होगा, जितने भी लोग 10,000 से ऊपर, मुबारकबाद हो आप सभी को, क्योंकि 10,000 से ऊपर वेब वर्क वर्ल्ड का परिवार हो चुका है, जिसमें ज़्यादातर जो है PSL के ही एसोसिएट और एजेंट्स हैं। तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि इतना बड़ा परिवार हो गया है, अब हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो नए दोस्त हैं उनको बता दूं कि जो भी अपडेट हमारी तरफ से आपको इस, अगर आपने ये घंटी भी दबाई होगी, ये सब्सक्राइब किया होगा, तो वो आपको इसका मैसेज नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी हमारी, अब हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं कि जांच पर करने क्या क्या नया हो रहा है, तो आपको घर बैठे ही हम न्यूज़ मुहैया करवाते हैं, जो भी रहती है, चाहे वो छोटी सी छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, हमारा संभव प्रयास होता है कि आप तक हर एक्टिविटी जो भी पल्स PSL की चल रही है या कोई अन्य प्रकार की भी कोई गतिविधियाँ हो रही हैं वो आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ पुराने जितने भी अब बोर हो रहे होंगे उनको तो पता, वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलते हैं जो एक अपडेट है की तरफ, चलते हैं क्या आज अपडेट आपको मैं देने वाला। तो सबसे पहले दोस्तों ये ब्लॉगर पेज है, मैंने आपको ब्लॉग का एड्रेस भी दिया होता है, ठीक है, मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉगर का जो वेबसाइट है ये देखो अपडेट कर दिया है मैंने, जो कुछ ये सारा हिंदी में होता है, तो आप मेरे ब्लॉगर वेबसाइट पे जाके भी, सॉरी मेरे बोल रहा हूँ दोबारा से, हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पे जाके भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो भी ये सेवी अलोड कमेटी द्वारा जो भी मैसेज होते हैं वो हिंदी में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये ब्लॉगर पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका एड्रेस दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ से आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है कि जो कुछ लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे कि सर ये पैसा कितना इकट्ठा हो चुका है, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन किया था, बड़ी बार एक क्वेश्चन आया मेरे पास, लेकिन मैं तब जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे पास इसका तब तक कोई आंसर नहीं था, मुझे ही नहीं पता था। तो दोस्तों एक हल्के से एक मेरे पास अपडेट आई है कि अभी तक जो कमेटी है, जो लोढ़ा कमेटी है, जिन्होंने नीलामियाँ करने की है और कितना पैसा हुआ है, तो दोस्तों हजारों करोड़ देनदारी है। जैसे आप बोल रहे थे कि पैसा तब तक मिलेगा, तो आप मेरी बात को समझना ध्यान से कि हजारों करोड़ रुपए देनदारी है और अभी तक 300 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है कमेटी के पास, सिर्फ 300 करोड़ रुपये। जो आप इसको पूरा मतलब को नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे भी कहीं से अपडेट है, तो उस अपडेट के भी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 करोड़ रुपये इकट्ठा हुआ है। तो लोढ़ा कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि भाई जो भी पैसा हो रहा है वो उसको भरना स्टार्ट कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ऐसी की देनदारी को लेकर नहीं है, सिर्फ ऑर्डर ये था कि आप जितनी भी संपत्ति हैं उनको बेच के पैसा इकट्ठा करो, अभी ये ऑर्डर नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का कि देनदारी भी स्टार्ट कर दीजिए। अभी लोढ़ा कमेटी के जो कुछ जो हेल्प है वहाँ से यही बताया जाता है कि सर हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि कितनी संपत्ति बेच दी गई और कितना पैसा इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जारी कर दीजिए। ऐसा बोला कि हमारे पास अगर कोई ऐसा आ जाए तो हमने क्या करना, पैसा ये पैसा अगर 100 रुपये भी आया तो हम 100 रुपये भी दे दें जैसे हमें ऑर्डर आएगा। तो कोर्ट ये भी देख रहा है कि लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं और जो देने लायक पैसा वो कम है, तो वो एक अच्छा प्रयास नहीं होगा बांटने के लिए। अब देखो उससे भी एक हाहाकार मच जाएगी, मान लीजिए पंजाब को पैसा मिल गया
तो हिमाचल देखेगा, उत्तराखंड देखेगा, हरियाणा देखेगा, छत्तीसगढ़ देखेगा, राजस्थान देखेगा। अब सभी स्टेट देखिए यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, राजनीतिक घोटाला हो गया, यहाँ पे पैसा देना स्टार्ट हो गया और हमें पैसा। तो दोस्तों कोर्ट का भी जो नेक्स्ट है वो भी बड़ा सोच समझ के ही ऑर्डर देंगे। एक्चुअली जब मान लीजिए अगर 50,000 करोड़ पैसा देना है तो 50,000 करोड़ पे इनके पास देने लायक भी होगा तो ये कर देंगे। अभी ये प्रयास तो जारी है, सेल आउट हो रहे हैं और आप घबराए नहीं, पी एस एल की इतनी प्रॉपर्टी है कि जितना देना है उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, आप ये घबराए नहीं। लेकिन सिर्फ प्रोसेस ये है कि अगर एक ही दिन में सेल हो जाए तो एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस अब क्या करें क्योंकि प्रोसेस चला हुआ है, लोग इसमें भाग ले रहे हैं और जो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो चला। ये प्रोसेस तो जारी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते प्रोसेस क्लोज है। आपको पता है पर मंथ नीलामी हो रही है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ नीलामी हो चुकी है और कितना पैसा हो गया और ये मई महीने कौन सी नीलामी होने वाली है और क्या बोली रहेगी, ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो दोस्तों माफ़ करना, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं और एक क्वेश्चन ये रहता है कि हमारे स्टेट को पैसा कब देना होगी। ये भी बता दूँ जब भी पैसे की देनदारी स्टार्ट होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेट बाई स्टेट होगा, जैसे इनके पास इकट्ठा हो जाएगा तो पूरे भारत बस में ही निकोटियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अभी उसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा कि हम अपने स्टेट के जो हमारे डॉक्यूमेंट है वो अपने प्रदेश में जमा करवाएं या दिल्ली में सेवी ऑफिस में जमा करवाएं या नियर बाई, वो उस टाइम की बात है। अभी तो फर्स्ट प्रोसेस है कि पैसा इकट्ठा हो जाना चाहिए, अभी इकट्ठा ही सब कुछ कर ले। अभी देखो बच्चा पेट में है तो उसके स्कूल का इंतजाम तो करना है कि स्कूल में करना है, इतनी तारीख को करना है। जब बच्चा पेट में है तो तब की रखनी है कि उसकी डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस रहेगा। तो इसी तरीके से जब अभी तक फर्स्ट प्रोसेस है पैसा इकट्ठा होने का, 1,000 करोड़ है और अभी मात्र 300 करोड़ का पता चला है कि 300 करोड़ रुपया अभी तक इकट्ठा हुआ है। तो आशा की जा रही है जिस तरीके से नीलामियाँ चली हुई हैं तो लगभग नेक्स्ट ईयर तक बात चल रही है दोस्तों कि 2017-18। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में होता तो बड़ा कुछ करता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी आपके पास भी अगर कोई नियर बाई कोई अच्छे खरीदार अच्छे बायर हो तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी नीलामियाँ हो रही हैं तो आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आप भी देश भर में फैले हुए एजेंट्स हैं और ऐसी अपने नियर इंडियर जितने भी हैं जो खरीदने लायक हों अच्छे पैसे वाले, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि पी एस एल की प्रॉपर्टीज़ है, आप इसमें भाग लेके आप ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ थी, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका अंतर मैं जो आंसर मैं आपको टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं प्रोसेस में लगता हूँ कि उसका एक बढ़िया सा आंसर लेके आऊँ फिर आपको बताऊँ, ठीक है। तो अब ये नीलामी जो थी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1 मार्च को, तमिलनाडु की 9 मार्च को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 24 मार्च को हो चुकी है, आपको पता ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में और मैं थोड़े दिन पहले आपको ये भी बताया था कि नीलामी प्रक्रिया दोबारा से स्टार्ट होगी। उससे पिछले में वीडियो में बताया था कि नीलामी खत्म हो गई है, लेकिन अप्रैल महीने में मैंने एक वीडियो जारी किया, देखा है, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि दोबारा से नीलामी स्टार्ट हो गई है। तो सेबी ने 7 अप्रैल को नया नीलामी टेंडर जारी किया है। अब अगली नीलामी भी HDFC रियल्टी द्वारा गुजरात में 7 जगह स्थित कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की 9 मई को करने जा रही है। इसका रिजर्व प्राइस 3,56,41,491 रखा गया है, ठीक है। जो पूछते हैं कि अभी नीलामी हो रही है इसका प्राइस कितना रखा है, ऑप्शन का जो है जब हम बोली लगाते हैं किसी चीज़ की पहले प्राइस रिजर्व करते हैं कि इसका प्राइस इतना होना चाहिए, ठीक है। तो जो ही मैं 9 मई को जो नीलामी होगी तो उसका जो था फिर से बता दूँ आपको 3,56,41,491 रखा गया है रिजर्व प्राइस बोली का। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक ये बोलिश ख़त्म होगी अब देखते हैं, उसी दिन पता चलेगा, ठीक है। तो और जो पहले मार्च महीने में जो नीलामी हुई थी उससे दुगना संभावना है दोस्तों, जैसे अभी मार्च महीने में जो नीलामी हुई उसमें से जो पैसा है उससे दुगना पैसा इस बार मिलेगी, क्योंकि इससे अच्छी प्रॉपर्टी है और अच्छा दुगना पैसा आएगा इस बार। मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी, अब इतना याद भी नहीं रहता है कि हमें क्या था, इतने वीडियोस बनाने होते हैं, इतने ज़्यादा मैसेज होते हैं, इतना दिमाग में होता है कि क्या था। तो आप उस वीडियो में देख लें क्या था, उससे दुगना मिल सकता है, क्योंकि जो बायर हैं जो खरीददारी हैं खरीदार हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, क्योंकि इनकी जो क्रीम प्रॉपर्टीज थी जो निर्मल बंगू ने बनाई थी प्रॉपर्टियाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज बनाई थी, तो उसको आपको पता ही है दाम भी अच्छी मिलेंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की ये जानकारी, मैंने आपको बता दिया कि जो मई महीने में होगी तो उसका रिजर्व प्राइस क्या था, जो अभी तक के पास कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं है पैसा देने के लिए, स्टेट बाय स्टेट पैसा मिलेगा,
तो ये सारे आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें। पहला मैं शेयर बोलूँगा, शेयर करने से क्या होगा कि आपके जितने हमारे भारतवासी हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे, उनको भी मैं जो भी छोटी या बड़ी जो भी आप न्यायाधीश हैं मेरे लिए तो आप भी बताएंगे खबर छोटी या बड़ी जो भी है तो उन तक पहुँच जाएँ आपके एक शेयर से, ठीक है। दूसरी चीज़ आप कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके सवाल क्या हैं, तो उन सवालों के आधार पर मैं अगला वीडियो भी जारी करूँगा, ठीक है। ऐसे तो जारी करता ही हूँ लेकिन वहाँ से मुझे क्वेश्चन आते हैं तो उनका आंसर मैं आपको देता हूँ अगले अगले वीडियो में। तो ठीक है, शेयर हो गया, दूसरा कमेंट हो गया, अब तीसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब तो मैंने फर्स्ट बोल दिया है, सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों आप ही का ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है क्योंकि न्यूज़ आपको लेनी है, मुझे तो खाली देनी है। मेरे साथ 10,000 से ऊपर परिवार हो चुका है लेबर वर्ल्ड का, तो 10,000 तो बहुत ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगर आप अनसब्सक्राइब कर दूँ या मैं ना करूँ तो आपकी मर्जी है दोस्तों, आप अपने सब्सक्राइब को अपने पास रख लीजिए उस ऑप्शन को, ठीक है। क्योंकि क्या पता किस दिन कौन सी बड़ी न्यूज़ आ जाए और आप उसे वंचित हैं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से पहले आप एक बार सोच लीजिए सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर करना है तो आप ही का फायदा है। और दूसरी चीज़ ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, आपको वहाँ से मैसेज ऑटोमेटिक मिल जाता है कि आपको जो भी मेरी जो अपडेट है, कभी भी आप ऑफरोल होंगे, आप ऑनलाइन नहीं होंगे, जब आप ऑनलाइन आएंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख के जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक से दोस्तों मेरा गिफ्ट होता है कि मुझे कितना पसंद किया गया, ठीक है। तो यही है, अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं आपको इसी प्रकार से ढेरों न्यूज़ें आपके लिए लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ लाइक पे लाइक दीजिए, कमेंट पे कमेंट दीजिए, शेयर पे शेयर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हूँ। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद जय भारत।